एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे, तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, कंक्रीट। तो कंक्रीट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हमारे कौन से एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एमपीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड जैसे कि रेलवे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो रिसेंट में होने वाला है, एसएससी जेई हुआ और भी जो भी पीएससी एग्जाम होती है उन सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्क एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंक्रीट है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेट करवा रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, उसको कॉम्पैक्टेड मिक्स कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो जो वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट है ये किसको डिफाइन करती है, इजीनेस विद विच कॉन्क्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड मिक्स ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस। कॉम्पैक्टेड मिक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास अगर सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल, मतलब कि सीमेंट है, सैंड है एंड क्या ग्रेवल है, इसको हमने क्या करें, एक कंटेनर है, कंटेनर में इसको बहुत मतलब कि कॉम्पैक्टेड पूरा मतलब कि पूरा फिल कर दिए, तो ये क्या होता है पूरा, और अगर हम इसमें क्या कंप्रेस कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कॉम्पैक्टेड मिक्स। अगर इसको कॉम्पैक्टेड किया, ट्रांसपोर्टेड किया, प्लेस किया, तो ये क्या कहलाती है, हमारी वर्क एबिलिटी। हम इसकी प्रॉपर्टी के लिए बात करें कि जैसे कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किसको डिटरमाइन करती है, ये हमारे पास कंटेनर में जो मटेरियल फिल है इनके बीच में कुछ यहाँ पर इंटरनल चीजें काम कर रही होगी, तो जो द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्क एबिलिटी। एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वर्क एबिलिटी की, ये किस चीज को इंडिकेट करती है, फ्लूडिटी और मोबिलिटी को इंडिकेट करती है। डायरेक्टली आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हमारे पास कंसिस्टेंसी वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट रहती है, इसमें ये जो कंसिस्टेंसी नाम का वर्ड है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये फ्लूडिटी को इंडिकेट करता है। फ्लूडिटी दैट मीन्स अगर हमारे पास सीमेंट सैंड ग्रेवल का मिक्सचर है एंड हमने इसमें क्या करे, कुछ स्लाइड अमाउंट में अगर वाटर को ऐड किए, तो वाटर को अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया, तो ऐड करने से जो हमारे पास मिक्सचर्स है इसमें क्या पानी फ्लो होने लगेगा, तो इस चीज को कौन इंडिकेट करता है, कंसिस्टेंसी इंडिकेट करती फ्लूडिटी एंड मोबिलिटी, यही प्रोसेस क्या कहलाती, फ्लूडिटी। नेक्स्ट इससे क्या होती है, फ्लूडिटी एंड मोबिलिटी से इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बात करें यहाँ पे वर्क एबिलिटी के लिए, ये किससे कनेक्टेड रहती है, लुब्रिकेशन बिटवीन पार्टिकल्स। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे अगर हमारे पास ये जो हमने ये मिक्स किया यहाँ पे मटेरियल्स को, इसके बीच में हल्का सा यहाँ पे स्टिफ टाइप का जो मिक्स बनेगा, ये क्या कहलाता है, लुब्रिकेशन बिटवीन पार्टिकल्स। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि जो वर्क एबिलिटी रहती है किससे कनेक्टेड रहती है, लुब्रिकेशन से, एंड जो वर्क एबिलिटी रहती है ये किससे कनेक्टेड रहती है, फ्लूडिटी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ कंक्रीट है, मतलब कि जो कंक्रीट है हमारे पास सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल, इसका जो मिक्सचर है इसके बीच में जो भी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है कंक्रीट की, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी इसमें बाहरी क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इजीनेस के, एंड इजीनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वर्क एबिलिटी के। मतलब कि इंटरनल एनर्जी ऑफ कंक्रीट के इंक्रीज होने से वर्क एबिलिटी भी इंक्रीज होगी, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ कंक्रीट के इंक्रीज होने से इजीनेस भी इंक्रीज होगी, और जो कंक्रीट के बीच में जो इंटरनल एनर्जी कंक्रीट अगर इंक्रीज हो रही है, तो ये जो एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कंक्रीट है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना है, एनर्जी इंटरनल इंक्रीज होने से एक्सटर्नल कम होगी, एंड एक्सटर्नल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वर्क एबिलिटी क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। इस टाइप से आपसे कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि ये किस चीज को डिफाइन करती है, डायरेक्टली इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू अचीव अ फुली कॉम्पैक्टेड मिक्स। अब हम बात करने वाले इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कंक्रीट के लिए, हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्क एबिलिटी जो होती है, वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट को कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसके अफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं।
बात करें इसके फैक्टर के लिए एंड इफेक्ट ऑन वर्क एबिलिटी, कि वर्क एबिलिटी की प्रोसेस में इसमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे वाटर को ऐड किया, तो वाटर को ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी को अगर हमने बढ़ाया या इंक्रीज किया, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्या होगा यहाँ पे मिक्सचर्स में, इसकी ये जो फ्लूडिटी है, ऑब्वियसली अगर हम इसमें वाटर ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो फ्लूडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो फ्लूडिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है। और इसकी जो वर्क एबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पे वर्क एबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको ये फैक्टर्स बहुत अच्छे से याद रखना है कि वाटर कंटेंट इंक्रीज होने से फ्लूडिटी भी इंक्रीज होती है एंड वर्क एबिलिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके एग्रीगेट के साइज के लिए बात करें, कि ये जो एग्रीगेट्स होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अगर हमने यहाँ पे हायर द एग्रीगेट साइज, ये जो एग्रीगेट के साइज है हमने इसको ज्यादा अमाउंट में ऐड किया या ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल्स को ऐड किया, तो पार्टिकल्स को ऐड करने से क्या होगा, वर्क एबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वर्क एबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, बढ़ेगी। वर्क एबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। देन अगर हमने इसके बिग साइज के एग्रीगेट यूज किया, मतलब कि ये हायर पार्टिकल्स एंड इसके क्या बिग साइज एग्रीगेट यूज किया, तो इसका ये जो सरफेस है, ये आप देख रहे हैं ये सरफेस में क्या इफेक्ट होगा, तो सरफेस एरिया टू बी वेटेड इज लेस, तो इसके सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, कम होगा मतलब कि रिड्यूस होगा। पेस्ट रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन सरफेस विल बी लेस, और जो लुब्रिकेशन का सरफेस है पेस्ट है, ये भी क्या होगा यहाँ पे, रिड्यूस होगा, लेस होगा। तो ये एग्रीगेट साइज के बारे में बात की हमने, कि अगर हमने एग्रीगेट ज्यादा यूज किए तो वर्क एबिलिटी बढ़ेगी, और बड़े साइज के पार्टिकल्स को यूज किया तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, इसमें स्पेस अवेलेबल ही नहीं रहेगी, और जो लुब्रिकेटिंग सरफेस है ये भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट हम इसके शेप ऑफ एग्रीगेट के लिए बात करने वाले हैं, ये जो एग्रीगेट्स होते हैं इनका क्या शेप रहता है। तो जनरली जो एग्रीगेट रहते हैं तीन टाइप से हम यूज करते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे एंगुलर यूज करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्लैकी यूज करते हैं, एंड जो थर्ड होता है हमारे पास राउंडेड, क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, राउंडेड क्यूबिकल शेप एग्रीगेट यूज करते हैं, राउंडेड क्यूबिकल शेप एग्रीगेट रहते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या शेप ऑफ एग्रीगेट के लिए, तो जो राउंड का शेप रहता है इसमें क्या रहती है, ये वर्क एबिलिटी क्या रहती है, बेस्ट रहती है राउंड में, एंड जो एंगुलर और फ्लैकी है इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। जनरली आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि राउंडेड क्यूबिकल शेप के जो एग्रीगेट्स रहते हैं इसमें जो वर्क एबिलिटी बेस्ट रहती है पुअर रहती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट वर्क एबिलिटी इन द राउंडेड शेप एग्रीगेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो स्ट्रेंथ रहती है वो सबसे बेस्ट किसमें रहती है, तो स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करें तो फ्लैकी में, राउंडेड में या फिर एंगुलर में सबसे ज्यादा जो बेस्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करता है एंगुलर शेप एग्रीगेट प्रोवाइडेड करता है, एंड जो फ्लैकी एग्रीगेट है एंड राउंडेड एग्रीगेट है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ के लिए एंड वर्क एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें जो एंगुलर फ्लैकी एग्रीगेट हैव लार्ज सर्फेस एरिया, इस टाइप के ये एग्रीगेट्स होते हैं, इनका शेप होता है जनरली, इनमें जो सरफेस रहती है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है, एंड वर्क एबिलिटी को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस इस टाइप में जो वर्क एबिलिटी स्ट्रेंथ का आएगा, नेक्स्ट आपसे पूछेंगे कि शेप ऑफ एग्रीगेट के बढ़ने से या फिर अगर हमने यहाँ पे ज्यादा साइज के पार्टिकल्स यूज किए तो वर्क एबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, रिड्यूस होगी, लेस होगी। राउंडेड क्यूबिकल शेप एग्रीगेट क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया क्या रहता है, कम रहता है, एंड लेस अमाउंट ऑफ पेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेशन, और इससे क्या होता है, इसकी जो वर्क एबिलिटी रहती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इसके फैक्टर्स बचे हुए थे, जैसे कि सरफेस टेक्सचर क्या होता है। जनरली हम यहाँ पे सरफेस टेक्सचर के लिए बात करें, ये जो सरफेस टेक्सचर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है, रफ होता है, एंड सेकेंड क्या होता है, स्मूथ होता है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे रफ में फ्रिक्शन के लिए बात करेंगे कि फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होता है, ओके, तो जो स्मूथ में फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होता है, रिड्यूस होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, और रफ में फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा रहता है, एंड जो वर्क एबिलिटी रहती है रफ में भी ज्यादा होती और स्मूथ में भी वर्क एबिलिटी क्या रहती है, इंक्रीज रहती है। तो दो टाइप के हमारे पास टेक्सचर्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ। स्मूथ में फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रफ में ज्यादा, और जो वर्क एबिलिटी रहती है ये रफ में भी इंक्रीज हो रही है एंड स्मूथ में भी इंक्रीज हो रही है।
तो सर्फेस टेक्सचर्स स्मूदर द सर्फेस, वर्कएबिलिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके लिए टेम्परेचर के लिए बात करें, इसके टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर जनरली क्या रहता है, वर्कएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ऑप्टिमम रेंज फॉर गुड वर्क एबिलिटी के लिए हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस कॉन्क्रीट विल स्टार्ट, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस से कम लेते हैं एंड जो कॉन्क्रीट रहता है ये स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी रहती है इससे क्या होती है, वर्क एबिलिटी डिक्रीज होती है। रेट ऑफ रिएक्टिविटी के डिक्रीज होने से जो वर्क एबिलिटी है ये भी, रिएक्टिविटी अगर कम हो रही है तो वर्क एबिलिटी क्या होगी, ये भी क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके लिए, कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है। जनरली हमारे पास जो एग्रीगेट्स रहते हैं ये दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है एंड जो नेक्स्ट होता है वो पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट होता है। तो ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट एंड पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट ये आपको कॉन्क्रीट में भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं एंड जो सॉइल मैकेनिक सब्जेक्ट आ जाता है इसमें भी इसका बहुत यूज होता है। तो हम जनरली समझ लेते हैं कि वेल ग्रेडेड क्या होता है। अगर हम यहाँ पे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट के लिए बात करें, ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या यहाँ पे एग्रीगेट्स को फिल किया, ठीक है। अगर इसमें मतलब कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स है एंड स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। ओके तो जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है इसमें जो वर्क एबिलिटी रहती है इसकी क्या रहती है, ज्यादा रहती है एंड जो वर्ड साइज है कुछ स्पेस नहीं है, हमने इसको कॉम्पैक्टेड मिक्स किया तो क्या स्पेस अवेलेबल है, नहीं, तो इसमें वर्ड्स क्या होंगे, लीस्ट वर्ड है। एंड जो पुअरली एग्रीगेट रहता है इसमें वर्क एबिलिटी क्या रहती है, लेस रहती है और इसमें जो वर्ड साइज रहती है वो क्या रहती है, मोर रहती है। नेक्स्ट हम बात करें कि साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है। साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए बात करें तो हम दो टाइप के एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, एक तो छोटे साइज के पार्टिकल्स का यूज करते हैं एंड जो सेकंड यूज करते हैं हम यहाँ पे लार्ज साइज के पार्टिकल्स का यूज करते हैं। तो जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स रहते हैं ये किस साइज के होते हैं, 12.5 mm के हम यहाँ पे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स रहते हैं ये हम यहाँ पे 80 mm के पार्टिकल्स का यूज करते हैं। तो जो स्मॉल है 12.5 mm का, इसमें ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहेगा ये क्या रहता, ज्यादा है। छोटे साइज के पार्टिकल्स में हमारे पास जो सरफेस है ये क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इंक्रीज होगा। एंड जो सीमेंट पेस्ट रेशियो है ये भी हमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मतलब CPR हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। एंड जो लुब्रिकेशन है ये भी क्या होगा, कम होगा और जो वर्क एबिलिटी वाली प्रोसेस है ये भी इसमें क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे लार्ज साइज के लिए बात करें तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स में ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये क्या होगा, कम होगा एंड लुब्रिकेशन प्रोसेस क्या होगी, सॉरी सीमेंट पेस्ट रेशियो इसमें कम, क्योंकि हमारे पास क्या लार्ज साइज के पार्टिकल्स है तो सीमेंट पेस्ट ऑब्वियसली क्या लगेगा, कम एंड लुब्रिकेशन क्या होगा, ज्यादा, वर्क एबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कि जो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ये क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे एग्रीगेट एंड सीमेंट दोनों पेस्ट को मिक्स करके लिया, इसके अगर हम यहाँ पे क्या है क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके वर्क एबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा तो वर्क एबिलिटी क्या होगी, वन अपॉन वर्क एबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मींस एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क एबिलिटी। क्वेश्चन यही पूछेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या फिर ए अपॉन सी के इंक्रीज होने से वर्क एबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप से ही ऑलरेडी SSC JEE में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट लो होता है एंड सेकंड क्या होता है, हाई होता है। तो लो का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब क्या होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हमने यहाँ पे एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो का क्या मिक्सचर्स को क्वांटिटी को कम अमाउंट में ऐड किया तो इसके सीमेंट पेस्ट क्या लगेगा, हमको ज्यादा लगेगा, ज्यादा अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। अगर हमने ए अपॉन सी के क्वांटिटी को मटेरियल को ज्यादा लिया, एग्रीगेट अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया एज कम्पेयर टू सीमेंट पेस्ट रेशियो तो इसका जो मिक्स बनेगा ये स्टीफ मिक्स बनेगा एंड जो लुब्रिकेशन है ये क्या होगा, कम होगा। और ए अपॉन सी अगर हमने कम अमाउंट में ऐड किया तो इसका जो सीमेंट पेस्ट है वो इंक्रीज होगा एंड लुब्रिकेशन भी इंक्रीज होगा एंड इसकी जो वर्क एबिलिटी की प्रोसेस है ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चंस पूछेंगे फैक्टर्स में इंक्रीज और डिक्रीज वाले।
नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि वाटर सीमेंट रेशियो, जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही देखा था, वाटर कंटेंट के इंक्रीज होने से फ्लूडिटी भी बढ़ रही थी एंड जो वर्क एबिलिटी थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। हम इसमें पॉइंट देख लेते क्योंकि एसएससी जेई में पूछा हुआ है कि वर्क एबिलिटी के बढ़ाने से, वाटर सीमेंट रेशियो के इंक्रीज होने से वर्क एबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है एंड इसकी ब्लीडिंग में क्या इफेक्ट होता है। तो डब्ल्यू अपॉन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्क एबिलिटी के, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वन अपॉन स्ट्रेंथ के। तो डब्ल्यू अपॉन सी के इंक्रीज होने से जो ब्लीडिंग है ये भी क्या होगी इसमें, अगर हमने वाटर को ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया या फिर सीमेंट को हमने ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया, ऑब्वियसली वाटर ज्यादा हो रहा तो ये इसमें क्या ब्लीडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी एंड लुब्रिकेशन क्या होगा, कम होगा और जो वर्क एबिलिटी होगी ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हमारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क एबिलिटी के सारे जो पॉइंट है हमने क्या सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार हमने देख लेते कि क्या क्या पढ़ा, जैसे कि हमने क्या देखा यहाँ पे, वाटर कंटेंट या फिर वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर कंटेंट या फिर वाटर सीमेंट रेशियो। जनरली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है डब्ल्यू अपॉन सी क्या होता है, वेट में आपको कंफ्यूज कर लेते तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हमने इसके क्या सरफेस टेक्सचर्स के बारे में देखा, फिर यहाँ पे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में डिस्कस किया। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बाद हमने क्या फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के बाद हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पे, शेप ऑफ एग्रीगेट, क्या शेप ऑफ एग्रीगेट क्या होते हैं, शेप ऑफ एग्रीगेट। टेम्परेचर के बारे में हमने देखा टेम्परेचर क्या होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव में। सरफेस टेक्सचर तो हमारा हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो, शेप भी एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए।